भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास। नियोजन शब्द आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों का एक अंग है। इस शब्द का प्रयोग हम परीक्षा और किसी पर्वतीय स्थल पर जाने के लिए तैयारी के संदर्भ में करते हैं। इसमें सोच विचार की प्रक्रिया, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन सम्मिलित है। यद्यपि यह एक शब्द व्यापक है, परंतु इस अध्याय में हम इसका प्रयोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में करेंगे। और यहाँ पर अतः उस तीर और तुक्का विधि से ये भिन्न है जिससे सुधार और पुनर्निर्माण का कार्य किया जाता था। तो यहाँ पर हम देखें, सामान्यतः नियोजन के दो उपागमन होते हैं, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में विभिन्न सेक्टर जैसे कि कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना, सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उनको लागू करना। किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हैं तो कुछ पिछड़े हुए हैं। विकास का यह असमान प्रतिरूप सुनिश्चित करता है कि नियोजक एक स्थानिक परिपेक्ष अपनाए और विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजनाएं बनाए। इस प्रकार के नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि भारत में नियोजन परिपेक्ष का अवलोकन करें। भारत में केंद्रीयकृत नियोजन है, जो नियोजन का कार्य भारत में योजना आयोग को सौंपा गया है और यह एक वैधानिक संस्था है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इसमें एक उपसभापति तथा सदस्य होते हैं। देश में नियोजन के मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में आरंभ हुई और यह 1951 से 52 से 55-56 तक चली। द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के समय अवधि है क्रमशः 56-57 से 60-61 और 61-62 से 65-66 तक चली और 1960 के दशक के मध्य के लगातार दो सूखे 65-66 और 66-67। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण उनमें योजना अवकाश लेना पड़ा। इस अवधि में वार्षिक योजनाएं लागू रही जिन्हें रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-70 में आरंभ हुई और 73-74 तक चली। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना आरंभ 1974-75 में आरंभ हुई, परंतु तत्कालीन सरकार ने इसे एक वर्ष पहले यानी कि 77-78 में ही समाप्त कर दिया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में लागू हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 1900 तक रही। एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता और उदारीकरण की नीति के शुरुआत के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना देरी से आरंभ हुई और इस योजना ने 1992 से 1997 के बीच की अवधि तय की गई। नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 के तक लागू रही। दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक लागू रही। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का समय 2007 से 2012 तक रहा और बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012 से शुरू हुई और उसका मुख्य उपागम प्रपत्र तीव्रता के साथ और अधिक सम्मिलित एवं सतत वृद्धि है। यहाँ पर हम बात करें लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रम को विशेष ध्यान देना चाहिए। और हम यहाँ पर एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीक और निवेश की आवश्यकता होती है। लगभग 1.5 दशक के नियोजन अनुभवों से यह महसूस किया गया है कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन प्रबलित हो रहा है। क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू रखने के लिए इस क्रम में योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र या लक्ष्य समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया है। लक्ष्य क्षेत्र की ओर से इंकित कार्यक्रमों के कुछ उदाहरणों में कमान नियंत्रित क्षेत्र और विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके साथ ही लघु कृषक विकास संस्था SFDA, सीमांत किसान विकास संस्था MFDA आदि कुछ लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उदाहरण हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में बात करें, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले, वर्तमान में उत्तराखंड मिकिर पहाड़ी और असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियां, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु की नीलगिरी आदि को मिलाकर के कुल 15 जिले शामिल हैं। 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उपयोजना लागू नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने
यहाँ पर निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के सुझाव दिए हैं। सभी लोग लाभान्वित हों, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं, स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास हो, जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था का निवेश उन्मुखी बनाया जाए, अंतर प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो, पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना। पहाड़ी क्षेत्र के विकास की विस्तृत योजनाएं इसके स्थलीकृत और पारिस्थितिकी सामाजिक आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई। ये कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु एवं ग्रामीण उद्योग के विकास के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनाए गए। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। इसका उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसके कार्य क्षेत्र को और विस्तृत किया गया। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया जिसमें अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है, परंतु बाद में इसमें सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चरागाह विकास, आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे विद्युत, सड़कें, बाजार, ऋण सुविधाओं और सेवाओं पर जोर दिया गया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय समिति ने इस कार्यक्रम को क्रियान्वयन की समीक्षा की, जिसमें यह पाया गया कि वह कार्यक्रम मुख्यतः कृषि और उससे संबंधित सेक्टरों के विकास का एक सीमित है। पर्यावरणीय संतुलन पुनः स्थापना पर इसमें विशेष बल दिया गया। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग कृषि के लिए सीमांत भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य थे, जिसमें परिस्थिति की निम्नीकरण हो रहा था। अतः सूखा संभावित क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों का विकास करने की अन्य रणनीतियों में सूक्ष्म स्तर पर समन्वित जल संभर विकास कार्यक्रम अपनाना शामिल है। सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास की रणनीति जल, मिट्टी, पौधे और मानव एवं पशु जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकीय संतुलन पुनः स्थापना पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिले पूर्ण और आंशिक की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की। 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा, तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार और तमिलनाडु की उच्च भूमि और आंतरिक भाग के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में फैले हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्र सिंचाई के प्रसार के कारण सूख से बच जाते हैं। केस अध्ययन में हम बात करें भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम के बारे में बात करें। भरमौर जनजाति क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की दो तहसीलें भरमौर और होली शामिल हैं। यह 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजाति क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गद्दी जनजातीय समुदाय का आवास है। इस समुदाय का हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि गद्दी लोग ऋतु अप्रवास करते हैं या गद्दियाली भाषा में बात करते हैं। यह क्षेत्र 3211 उत्तर से 3211 उत्तरी अक्षांश से 3241 उत्तरी अक्षांश तथा 7622 पूर्वी से 7653 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। यह प्रदेश लगभग 1.818 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका अधिकतर भाग समुद्र तल से 1500 मीटर से 3700 मीटर की औसत ऊंचाई के बीच स्थित है। गद्दियों की आवास भूमि कहलाया जाने वाला वह क्षेत्र चारों दिशाओं में ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में पीर पंजाल और दक्षिण का धौलाधार पर्वत श्रेणियाँ हैं। पूर्व में धौलाधार श्रेणी का फैलाव रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल श्रेणी से मिलता है। इस क्षेत्र में रावी और इसकी सहायक नदियाँ बुडील और टुडैन बहती हैं, गहरे महाखड्डों का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ इन पहाड़ी प्रदेशों के चार भूखंड होली, खनी, कोराती और ढूंढाड़ में बजत होती है। शरद ऋतु में भरमौर में जमा होने वाली पहाड़ी की सर्दें और बर्फ पड़ती है। जनवरी में यह औसत मासिक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु कठोर है, आधारभूत संसाधन कम है, पर्यावरण भंगुर है। इन कारकों ने इन क्षेत्र में अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया है। जैसे कि सीढ़ीदार कृषि की बात करें, यहाँ पर यह भरमौर क्षेत्र में आवासीय बस्तियां, पारंपरिक वस्त्र में एक महिला दिखाई गई है। यहाँ पर प्राथमिक कार्य में संलग्न लोग दिखाए गए हैं। पारंपरिक विधि द्वारा गेहूं निकालना ये बताया गया है। तो भरमौर संस्कृत शब्द ब्रह्मोर का अपभ्रंश है। यह पुस्तक में स्थानीय बोलों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए भरमौर शब्द का प्रयोग किया गया है, बाकी ये ब्रह्मोर का अपभ्रंश है। फिर यहाँ पर बात करें जैसे कि जिला सीमा के बारे में बात करें, ये जिला सीमा है होली क्षेत्र का। फिर हम बात करें यहाँ पर जैसे कि नदी और भू आकृतिक प्रदेश सीमा है, तो ये रावी नदी की है। ये यहाँ पर जैसे कि बुंथल नदी है, ये रावी नदी है। तुंगा क्षेत्र रावी नदी, कुंगती क्षेत्र खानी क्षेत्र है, ये तुहांग नदी है यहाँ पर। तो चंबा में भरमौर क्षेत्र के बारे में बताया गया है, चंबा है यहाँ पर भरमौर क्षेत्र।
2011 की जनगणना के अनुसार बरमोर उपमंडल की जनसंख्या 39,113 थी और अर्थात 31 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। यह हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। ऐतिहासिक तौर पर गद्दी जनजाति ने भौगोलिक एवं आर्थिक अलगाव का अनुभव किया और सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित रही। इसका आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि और इससे संबंध क्रियाएं जैसे कि भेड़ बकरी पालन है। भरमौर जनजाति क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक में शुरू हुई जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजातियां में शामिल किया गया। 1974 में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उप योजना प्रारंभ की गई और भरमौर को हिमाचल प्रदेश में पांच में से एक समन्वित जनजाति विकास परियोजना का दर्जा मिला। इस क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना और भरमौर और हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच में विकास के स्तर के अंतर को कम करना। इस योजना के अंतर्गत परिवहन और संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाएं, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। इस क्षेत्र में जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यालय, जन स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल, सड़कों, संचार, विद्युत के रूप में अवसंरचना विकास है, परंतु होली और खनिज क्षेत्रों में रावी नदी के साथ बसे गांव अवसंरचना विकास से सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। तुधाई और कोंगती क्षेत्रों में दूरदराज के गांव अभी भी इस विकास की परिधि से बाहर हैं। जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना लागू होने से हुए सामाजिक लाभों में साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि, लिंगानुपात में सुधार, बाल विवाह में कमी शामिल है। इस क्षेत्र में स्त्री साक्षरता दर 1971 में 1.88% से बढ़कर 2011 में 25.65% हो गई है। स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में अंतर, साक्षरता में लिंग असमानता भी कम हुई है। गद्दियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह कृषि और पशुचारण पर आधारित है, जिसमें खाद्यान्न और पशुओं के उत्पादन पर बल दिया गया जाता है। परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों के दौरान भरमौर क्षेत्र में दालों व अन्य नकदी फसलों की खेती में बढ़ोतरी हुई है, परंतु यह खेती अभी भी परंपरागत तकनीक से की जाती है। इस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में पशुचारण के घटते महत्व को इस बात से आंका जा सकता है कि आज कुल पारिवारिक इकाइयों का 10वां भाग ऋतु प्रवास करता है, परंतु गद्दी जनजाति आज भी बहुत गतिशील है क्योंकि इनकी एक बड़ी संख्या शरद ऋतु में कृषि और मजदूरी करके आजीविका कमाने के लिए कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में प्रवास करती है। सतत पोषणीय विकास के बारे में बात करें, साधारणतः विकास शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और इसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तनों की प्रक्रिया से है। अंतःक्रिया की प्रक्रियाएं इस बात पर निर्भर करती है यहाँ पर कि मानव इतिहास में लंबे अंतराल में समाज और उनके जैव भौतिक पर्यावरण की निरंतर अंतःक्रियाएं समाज की स्थिति का निर्धारण करती हैं। मानव एवं पर्यावरण अंतःक्रिया की प्रतिक्रिया की इस बात पर निर्भर करती हैं कि समाज में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी विकसित की है, किस प्रकार की संस्थाओं का पोषण किया है। प्रौद्योगिकी और संस्थाओं ने मानव पर्यावरण अंतःक्रिया की गति प्रदान की है। इसमें पैदा हुए संवेग से प्रौद्योगिकी का स्तर ऊंचा उठा है। अनेक संस्थाओं का निर्माण एवं रूपांतरण किया गया है। अतः विकास एक बहुआयामी संकल्पना है और अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण में सकारात्मक अनुक्रमणीय परिवर्तन का घोतक है। विकास की संकल्पना गतिक है। और इस संकल्पना का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व की संकल्पना आर्थिक वृद्धि की पर्याय है, जिसे सकल घरेलू सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपभोग में समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता है। परंतु आर्थिक वृद्धि वाले देशों में भी असमान वितरण के कारण गरीबी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। अतः 1970 के दशक में पुनर्वितरण के साथ वृद्धि और समानता जैसे वाक्यांश विकास की परिभाषा में शामिल किए गए हैं। पुनर्वितरण और समानता के प्रश्नों से निपटते हुए यह अनुभव हुआ है कि विकास की संकल्पना को मात्र आर्थिक प्रक्षेप तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसमें लोगों के कल्याण और रहने के स्तर, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर और राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से संबंधित मुद्दे भी सम्मिलित हैं। 1980 के दशक तक विकास एक बहुआयामी संकल्पना के रूप में उभरा है, जिसमें समाज के सभी लोगों के लिए वृद्ध स्तर पर सामाजिक भौतिक कल्याण का समावेश है। 1960 के दशक के अंत में पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता की सामान्य वृद्धि के कारण सतत पोषणीय धारणा का विकास हुआ है। इससे पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के अनापेक्षिक प्रभावों के विषय में लोगों की चिंता प्रकट हुई है। 1968 में प्रकाशित एहरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम, 1972 में मीडोस की अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन ने इस विषय पर लोगों को, विशेषकर पर्यावरणविदों की चिंता को और भी गहरा कर दिया है। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में विकास के एक नए मॉडल, जिसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है, इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई है। जैसे बात करें हम इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र के बारे में बात करें, तो ये इंदिरा गांधी
नेट कमांड से। तो यहाँ पर जैसे कि नीचे उत्थापक है चरण, जैसे चरण सेकंड में नीचे भाव है, ये चरण सेकंड के अंदर। यहाँ पर बीकानेर है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये मुच्छ नहर का पुच्छ है, मुख्य नहर का पुच्छ है, ये मुख्य नहर का पुच्छ यहाँ से जब मान लीजिए स्टार्ट होगा। और जैसे कि बाड़मेर है, कमांड क्षेत्र का हम बात करें, कमांड क्षेत्र पूरा बाड़मेर को भी कवर कर रही है, जैसलमेर को भी कवर कर रही है, बीकानेर लूण करण सर को कवर कर रही है, इधर हरियाणा मुख्य गांधीनगर मुख्य नहर है इसको कवर कर रही है। इधर यहाँ पर देखें हरि के बैराज बना हुआ है, ब्यास नदी, सतलज नदी और ब्यास नदी और सतलज नदी के मिक्स पर हरि के बांध यहाँ पर बना हुआ है। पर्यावरण मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को विकास आयोग की स्थापना की है। विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को विकास आयोग WECD की स्थापना की है, जिसके प्रमुख ध्यान में रख करके संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और नॉर्वे की प्रधानमंत्री गरो हरलेस वर्टलैंड थी, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर जिसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं 1987 में प्रस्तुत की। WECD ने सतत पोषणीय विकास को सीधी, सरल और वृत्त स्तर पर प्रमुख परिभाषा यहाँ पर प्रस्तुत की। WECD ने सतत पोषणीय विकास की सीधी, सरल एवं वृत्त स्तर पर प्रयुक्त परिभाषा प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के बारे में बात करें, ये केस स्टडी है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र क्या है? पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। भारत में सबसे बड़ी कंवर सेन के द्वारा संकल्पित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ की गई और यह नहर पंजाब में हरि के बांध से निकलती है, 40 मीटर की औसत दूरी पर बहती है, 8 किलोमीटर, और यह 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। कुल कमान क्षेत्र में से 70% क्षेत्र प्रवाह नरल नहर तंत्रों और शेष क्षेत्र लिफ्ट तंत्रों के द्वारा किया जाता है। नहर का निर्माण कार्य दो चरणों में पूरा किया जाता है। चरण फर्स्ट का कमान क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले के उत्तरी भाग में पड़ता है। इस चरण के कमान क्षेत्र का भूतल थोड़ा उबड़ खाबड़ है और इसका कृषि योग्य कमान क्षेत्र 5.53 लाख हेक्टेयर है। चरण सेकंड का कमान क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिलों में 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर है। इसमें स्थानांतरित बालू टिब्बों वाला मरुस्थल भी सम्मिलित है। यहाँ स्थानांतरित बालू टिब्बे पाए जाते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लिफ्ट नहर में ढाल के विपरीत प्रवाह के लिए जल को बार बार मशीनों से ऊपर उठाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर तंत्र में सभी लिफ्ट नहरें मुख्य नहरों के बाएं किनारे से निकलती हैं, जबकि मुख्य नहर के दाएं किनारे पर सभी नहरें प्रवाह प्रणाल हैं। तो ये इंदिरा गांधी और उसके समीपस्थ क्षेत्र के बारे में बताया गया है। चरण फर्स्ट में कमान क्षेत्र में सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक में आरंभ हुई, जबकि चरण सेकंड कमान क्षेत्र में 1980 के दशक के मध्य में सिंचाई आरंभ हुई। नहर सिंचाई के प्रसार से इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था समाज को रूपांतरित कर दिया। इससे इस क्षेत्र की पर्यावरणीय परिस्थिति में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। लंबी अवधि तक मृदा नमी उपलब्ध होने और कमान क्षेत्र विकास के तहत शुरू किए गए वनीकरण और चरागाही विकास कार्यक्रम में यहाँ भूमि हरी भरी हो गई है। इसमें वायु अपरदन और नहरी तंत्र में बालू निक्षेप की प्रक्रियाएं भी धीमी पड़ गई हैं, परंतु सघन सिंचाई और जल के अत्यधिक प्रयोग से जल भराव और मृदा लवणता की दोहरी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। नहरी सिंचाई के प्रसार से इस प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित हो गई है। इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक फसलें उगाने के लिए मृदा नमी सबसे महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक रहा है, परंतु नहरों का सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में विस्तार हुआ है। फसलों की सघनता में वृद्धि हुई है। यहाँ की पारंपरिक फसलें चना, बाजरा, ग्वार, स्थान गेहूँ, कपास, मूंगफली और चावल से ले लिया गया है, और इस सघन सिंचाई का परिणाम निस्संदेह सघन सिंचाई से आरंभ में कृषि और पशुधन उत्पादन में अत्यंत वृद्धि हुई है। जल भराव एवं मृदा लवणता की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और इस प्रकार लंबी अवधि के दौरान कृषि की सतत पोषणीय पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय क्या हैं? सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। बहुत से विद्वानों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की परिस्थिति की पोषणता पर प्रश्न उठाए हैं।
पिछले 4 दशकों में जिस तरह से इस क्षेत्र में विकास हुआ है और इससे जिसे भौतिक पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ है, विद्वानों ने इस दृष्टिकोण से काफी हद तक यह सही ठहराया है कि यह मान्य तथ्य है कि इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पारिस्थितिकी या सतत पोषण पोषणता पर बल देना होगा। इसलिए इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित 7 उपायों में से 5 उपाय पारिस्थितिकी संतुलन पुनः स्थापित करने पर बल देते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जल प्रबंधन नीति की कठोरता से कार्यान्वयन करना। इस नहर परियोजना के चरण फर्स्ट में कमान क्षेत्र में फसल और रक्षण सिंचाई, चरण सेकंड में फसल उगाने और चरागाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान है। इस क्षेत्र के शस्य प्रतिरूप में सामान्यतः जल संघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए, इसका पालन करते हैं और का पालन करते हुए किसानों को बागाती कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती यहाँ पर करनी चाहिए। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों का पक्का करना, भूमि विकास और समतलन और बारबंदी ओसरा पद्धति, निकास के कमान क्षेत्र में नहर के जल का समान वितरण प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जाए ताकि बहते नल की क्षति मार्ग में कम हो सके। इस प्रकार जल क्रांत एवं लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाएगा। वनीकरण और वृक्षों का रक्षण, मेखला का निर्माण और चरागाह विकास, इस क्षेत्र विशेषकर चरण सेकंड में भंगुर पर्यावरण में प्रजा पारितंत्र विकास इको डेवलपमेंट के लिए अति आवश्यक है। इस प्रदेश में सामाजिक सतत पोषणीय का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब निर्धन आर्थिक स्थिति में वाले भू आवंटितों को कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध कराई जाए। मात्र उनके विकास के से सतत पोषणीय विकास की क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य कुछ क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण होगा। मूल आबादी गांवों में कृषि सेवा केंद्रों, सुविधा गांवों में विपणन केंद्रों यानी मंडी कस्बों के बीच प्रकारात्मक संबंध स्थापित यहां पर होगा। प्रदेशीय नियोजन का संबंध क्या है? प्रदेशीय नियोजन का संबंध है कि किसी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। IIDP के किससे संबंधित? IRDP समन्वित पर्यावरण विकास कार्यक्रम, पर्यटन विकास कार्यक्रम। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कार्य कृषि विकास?